10.3 अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हमने अमेरिका में अफ्रीकी दासों को बसाए जाने के बारे में पहले पढ़ा है यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई सन 1878 तक अफ्रीका की केवल 10 प्रतिशत ज़मीन पर यूरोपीय देशों का कब्जा था लेकिन महज 36 वर्षों में सन 1914 तक लगभग सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बन गया 10.3.1 दास व्यापार 19वीं सदी के मध्य तक अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से कबीलाई समूह से आबाद थे जीवन यापन के मुख्य साधन पशुपालन कृषि जंगल से इकट्ठे किए गए कंदमूल एवं शिकार होते थे मध्यकाल में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप में भी अफ्रीकी महाद्वीप दासों की आपूर्ति के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता था कबीलाई समूह के आपसी झगड़े में जो लोग युद्धबंदी के रूप में पकड़े जाते थे उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था सन 1500 के बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की जरूरत पड़ी वैसे वैसे अफ्रीका महाद्वीप से दासों का व्यापार भी बढ़ता चला गया कई यूरोपीय देश इस अति लाभदायक मानव व्यापार में लग गए और करोड़ों अफ्रीकियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया 450 साल से अधिक चले इस व्यापार को सर 1800 और सन 1900 के बीच धीरे धीरे बंद किया गया मज़ेदार बात यह है कि यूरोपीय देश यह कहने लगे कि अफ्रीका में दास व्यापार को खत्म करने के लिए उन्हें अफ्रीका पर अपना राज्य बनाने की जरूरत है उनमें अब होड़ लग गई कि कौन अफ्रीका में सबसे अधिक जमीन पर कब्जा कर पाता है 10.3.2 औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवादी होड़ और अफ्रीका ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक देश ने अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं बाजार की तलाश में दुनिया के बड़े हिस्से पर खासकर एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया था जर्मनी फ्रांस और इटली में औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद हुई इन नौ औद्योगिक देशों के लिए अफ्रीका ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कब्जा करने की संभावना थी वर्चस्ववादी विचारधाराएं यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार लोकप्रिय हो रहे थे जो यूरोपीय देशों को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे उपनिवेश बनाना राष्ट्रीय शक्ति का पर्याय समझा जाता था और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती थी यूरोप में बहुत से लोगों का मानना था कि विश्व में मनुष्यों की कई नस्लें होती हैं और यूरोपीय नस्ल बाकी दुनिया के नस्लों से बेहतर है यह मानना कि मनुष्यों की नस्लें होती हैं और एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बेहतर मानना नस्लवाद कहा जाता है नस्लवादी यह भी मानते थे कि श्रेष्ठ नस्ल के लोगों का कमजोर नस्लों पर राज करना या उनका शोषण करना जरूरी और स्वाभाविक है अफ्रीका के दक्षिणी इलाकों में जैसे दक्षिणी अफ्रीका जिम्बाब्वे आदि में कई यूरोपीय लोग जाकर बसे यहाँ तक कि भारत से भी बहुत से लोग वहाँ जाकर बसे वे सब अपने आप को स्थानीय अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ समझते थे और उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे वे यह प्रयास करते थे कि विभिन्न मूल के लोगों का आपस में, में मेल मिलाप ना हो और नस्ल आधारित विशेषाधिकार बने रहें इससे रंग भेद की नीति बनी जो सन उन्नीस तक चली औपनिवेशक काल में एक और विचार गोरे लोगों का बोझा बहुत लोकप्रिय हुआ था इस विचार के अनुसार दूसरे महाद्वीप के लोग पिछड़े हुए हैं इसलिए यूरोप के लोगों का नैतिक दायित्व है कि उन लोगों को सभ्य बनाया जाए इस विचार के अनुसार यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि वे शेष संसार के देशों को ज्ञान और धर्म के मुद्दों पर पथ प्रदर्शित करें इस विचार से उत्साहित होकर बहुत से लोग अफ्रीका में ईसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान व तार्किक सोच के प्रचार प्रसार के लिए भी गए फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों का ऐसा एक समूह तैयार करना चाहते थे जो यूरोपीय भाषा संस्कृति धर्म और विचारों को अपना ले और औपनिवेशिक शासन की मदद करे। इस उद्देश्य से अफ्रीका में कई यूरोपीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान खोले गए बर्लिन कॉन्फ्रेंस और अफ्रीका का बंटवारा सन अठारह से अठारह तक सन अठारह के बाद यूरोप के नौ औद्योगिकृत देशों ने अफ्रीका में आक्रामक तरीके से काम करना शुरू किया जल्दी ही यूरोप के कई देश अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहे लेकिन इससे यह आशंका होने लगी कि यूरोप के देश आपस में ही न लड़ने लगे आपसी युद्ध के खतरे को टालने के लिए यूरोप के देशों ने अफ्रीका को आपस में बांटने का फैसला किया जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें यूरोप के कुल चौदह देशों ने भाग लिया सम्मेलन की सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस सम्मेलन में अफ्रीका के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अफ्रीकी को नहीं बुलाया गया सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अफ्रीका के किसी भी हिस्से पर कोई भी यूरोपीय देश बाकी देशों को बताकर कब्जा कर सकता है इस तरह से मात्र 30 सालों में ही पूरा अफ्रीका किसी ना किसी यूरोपीय देश के प्रभाव क्षेत्र में आ गया हर एक यूरोपीय देश उस भाग का अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना चाहता था